अच्छा, गुफ्तगू का आगाज़ हमने कर लिया और बुनियादी गुफ्तगू किबला डॉक्टर साहब ने अता फरमाई है। कुरान करीम जो है वो किस तरह से शैतान के जो मकर फरेब हैं, जो उसकी चालें हैं, जो हक के रास्ते से भटकाता है और उसको धंसाता चला जाता है बुराई में, उसको किस तरह से बयान करता है, हाईलाइट करता है और हमें समझाता है कि किस तरह उससे बचना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जिहाद की तरफ मुतवज्जे किया। इसमें एक तो ये है कि दुश्मन को दुश्मन समझा जाए, सही, कि अल्लाह ने इसे दुश्मन करार दिया, फत्तखिज़ूह अदुव्वा, हुक्म है कि इसे दुश्मन समझें, सही। तो जब आदमी दुश्मन समझता है तो फिर उससे बचने की कोशिश भी करता है, ठीक। और जब वो दुश्मन नहीं समझता तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। जिन तरीकों से शैतान इंसान को फंसाता है, या जो आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ बोला, धंसाता चला जाता है, उसमें पहला उसका हमला ये होता है कि अगर कोई कुफ्र में है तो ईमान में ना आने दे, ठीक। अगर कोई बुराई में है तो अच्छाई में ना आने दे, सही। पहला तरीका है वारद, इमाम गजाली ने लिखा। अच्छा, दूसरा तरीका है, और ये कुरान पाक से साबित है, ज़ाहिर है, जो मुख्तलिफ हमले हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक आदमी खैर के रास्ते पर जा रहा है तो उसको रास्ते से वापस पलटाता है। अच्छा, मसलन हम किसी काम से निकले हैं, किसी खैराती इदारे में जा रहे हैं या नमाज़ पढ़ने जा, अचानक फ़ोन आएगा, एक आम सी मिसाल है, ऐसी पसूली बनेगी, पता ही नहीं चलेगा और नमाज निकल जाएगी, या वो रास्ता ही हम तब्दील कर दें, दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये दो तरीके, ठीक। तीसरा तरीका वो ये इख्तियार करता है सरवर भाई कि वो चूँकि इंसान के खून की तरह गर्दिश करता है, वो सही, तीसरा वो रिया में मुबतला करता है। और अगर कोई बल्कि ये चौथा है, रिया चौथा है। तीसरा ये है कि अगर बंदा नमाज पढ़ने पहुंच गया, मिसाल के तौर पर, अब सर सजदे में है तो वसवसा अंदाजी करता है, तूने फलां जगह भी जाना है, फलां जगह भी जाना है, फलां जगह, जल्दी कर, वो ध्यान बटा देता है। और आप देखते हैं कि नमाज पढ़ते ही सलाम फिरता है और इस तरह हम बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे होते हैं, वैशी जानवरों की तरह, समझ नहीं आती ना नमाज का ख्याल। तो ये एक तीसरा है कि यानी जिस आदमी को अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुका के भी इत्मीनान के चंद लम्हे नसीब नहीं हुए तो उसको और इत्मीनान कहाँ नसीब होगा। सही। चौथा रिया है, तो इसकी अगली जब टर्न आएगी तो मैं वजाहत करूँगा। पांचवा जो है उसमें फिर जो है उजब है, छठा जो है वो हवस शोहरत है, और सातवां हमला जो है वो तकदीर के अंदर उलझाता है, वो ये फाइनल होता है। तो जब अगली टर्न आएगी तो हम इनको फिर खोलेंगे। बिल्कुल ठीक।